आगे बढ़ेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लेंगे बैठक, शाम 7 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे राजस्थान सत्ता संगठन की समीक्षा बैठक। सदस्यता अभियान को गति देने के लिए बैठक में दिशा निर्देश देंगे, साथ ही साथ आगामी उपचुनाव की रणनीति पर करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। आज बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी रहेंगे बैठक में। सांसद, पूर्व सांसद, सांसद प्रत्याशी और विधायक, पूर्व विधायक, जिला प्रमुख, मेयर, उप महापौर के साथ प्रदेश सदस्यता अभियान की टोली, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अपरिहार्य कारणों से टल गया था जेपी नड्डा का जयपुर आने का कार्यक्रम, लेकिन अब कार्यक्रम आने का नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बना है। इससे पहले हरियाणा में सभी व्यस्त थे चुनाव प्रचार करने में, लेकिन कल हरियाणा में भी मतदान संपन्न हो गया, लेकिन अब जो फोकस है वो राजस्थान में होने वाली सीटों पर, उपचुनाव पर है। और इसीलिए फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। कल जिस तरीके से रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने संगठनात्मक बैठक ली थी, प्रत्याशी के चयन को लेकर भी चर्चा हुई कि आप बोलेंगे जिसको उसी को प्रत्याशी बनाया भी जाएगा और वो जीत कर भी आएगा। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो बैठक लेने जा रहे हैं, ग्राउंड से लेकर हाई लेवल तक का फीडबैक उन्हें दिया जाएगा। और यही वजह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मेयर हैं, सभी जुड़ने वाले हैं इस बैठक से। शाम 7 बजे बताया जा रहा है इस बैठक की शुरुआत होगी। जेपी नड्डा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक को लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि हरियाणा का मतदान तो संपन्न हो चुका है, लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर बैठक में किस तरीके से चर्चा रह सकती है, क्योंकि हर कोई इस बैठक में जुड़ने जा रहा है? देखिए, ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस तो ओपनली कई मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा नहीं होती जी। ये सदस्यता अभियान को लेकर जो बैठक है उसी पर फोकस रहने वाला है। जेपी नड्डा बात करेंगे सदस्यता अभियान को लेकर जी, और तमाम जिला संयोजक सदस्यता अभियान के प्रभारी वो सब जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री भी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी है, और इसके साथ पार्टी के विधायक मंत्रीगण भी रहेंगे। एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी शाम को जी, और पहले उनको खुद को आना था, आपको ध्यान है, लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम जयपुर आने का रद्द हुआ। और फिर क्या हुआ कि वीसी के जरिए राजस्थान की सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। हाल ही में कुछ दिनों पहले बीएल संतोष भी जयपुर आए थे जी, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उन्होंने भी समीक्षा की। और अभी दो दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक सक्रिय सदस्यता को लेकर भी समिति का निर्माण किया है। उनका लखावत नारायण पंचारिया, कैलाश मेघवाल उसका सदस्य बनाया है। सक्रिय सदस्यता को जांचने का काम ये समिति करेगी जी, वो भी काम शुरू हो चुका है। और तकरीबन अगर हम राजस्थान की बात करें, 30 लाख से ऊपर सदस्यता अभियान चला गया है। तकरीबन आप मान लीजिए कि 15 अक्टूबर का जो दूसरे चरण का आखिरी दिन है, तब तक 1.25 करोड़ का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है जी। बीते कुछ दिनों से जो सदस्यता अभियान था उसको लेकर, राजस्थान को लेकर यहाँ की सदस्यता अभियान की पूरी सुस्त चाल को लेकर आलाकमान ने यहाँ पर ज्यादा फोकस किया था, उसी के मद्देनजर ये है। लेकिन क्योंकि सदस्यता अभियान इसी तरीके से कभी भी चलता रहा है, कभी थोड़ा तेज चला है जी, फिर भी राजस्थान जो बीजेपी है बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस कई राज्यों से बहुत अच्छी है। जो सदस्यता अभियान जुड़े और भी बीजेपी के संगठनात्मक राज्य है, वहां से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस राजस्थान की है जी। कहा जा सकता है कि और गति आएगी इस पूरे अभियान को लेकर। जेपी नड्डा जोश बढ़ने का काम बीजेपी के नेताओं के बीच में करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।